सर, आज का दिन में जो आप लोग का ऑफिस बिल्डिंग है अरुणाचल प्रदेश लेवल 4 यूनियन का, उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे जो नॉमिनी फाइल करने के लिए आए थे, जो आप लोग का उनका कहना था कि आप लोग का जो इलेक्शन होने जा रहा था तो आज नॉमिनेशन फाइल करना था। फिर उनका ये भी कहना था कि आप ऐसे केयर टेकर और आप जो फॉर्मर हो चुके हैं आपू के प्रेसिडेंट के, तो आप जो ये उन लोग का जो प्रोसीड्यूर है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ऐसा एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया, उसका ऊपर आपका क्या कहना है? ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल में, वेल स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है मेरा लीडरशिप में। और हम लोग का जो टीन्योर जो है अगस्त तक है, तो हम लोग ने 5 2020 मई का 5 तारीख को हम लोग का फाउंडेशन डे है। उस फाउंडेशन में हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट का कुछ लीडर लोग को बुलाया था, जो आ सकता है वो आएगा, नहीं आ सकता है नहीं आएगा। तो हम लोग ने 2 एजेंडा रखा, मॉर्निंग सेशन को फ्लैग होस्टिंग करेगा, केक कटेगा, उसका बाद सेकंड सेशन को हम लोग का जो टीन्योर है अगस्त तक है उसको हम लोग कैसे करेगा, इलेक्शन करेगा ना सेलेक्शन करेगा, और डेट एंड प्लेस को कहाँ रखेगा, इसके लिए हम लोग का एजेंडा रखा था। यहाँ पूरा एजेंडा पूरा यहाँ पूरा हुआ है। उसका बाद में हम लोग ने प्रपोजल एजेंडा में ये रखा था कि डेट को कहाँ, कॉन्फ्रेंस जनरल कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन का कहाँ रखेगा, वो रेजोल्यूशन लेना था। तो लंच ब्रेक में सब डिस्ट्रिक्ट बोला, कोई बोला आनी नहीं रखेगा, कोई बोला आलोंग में हम लोग का प्रपोजल देना, कोई बोमजिला में प्रपोजल दिया, ज़्यादा भाग जीरो में प्रपोजल दे रहा था, लोअर सब जीरो में। तो उस समय में लंच ब्रेक में हम लोग ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट वाला को प्रपोजल देने दो, डिस्ट्रिक्ट वाला कोई जगह और प्लेस को, जगह और डेट को प्रपोजल देने दो। तो स्टेट कमिटी जो है सारा जितना भी डेलीगेट आया है, तो हम लोग ने प्लेस कर दिया डिस्ट्रिक्ट वाला को डेट एंड प्लेस को कॉन्फ्रेंस का फिक्स करने के लिए। देन जितना स्टेट ऑफिस भी आ नीचे नाम गया, हम लोग लंच ब्रेक में चला गया। देन आफ्टर लंच ब्रेक के बाद में हम लोग ने फिर मीटिंग को स्टार्ट किया आपू कॉन्फ्रेंस हॉल में। उसमें डिस्ट्रिक्ट वाला लोग बोला है कि इलेक्शन करना है तो सभी लोग बोला है कि इलेक्शन करना है। तो उसका बाद मैं भी बोला है इलेक्शन करना है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि इलेक्शन करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला जो है, मुझे पता था कि डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट को डिजॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाला को हम लोग ऑटोराइज किया था कि जगह कहाँ होना है और डेट कब होना है, कौन सा महीना में कॉन्फ्रेंस होना है, ये फैसला करने के लिए हम लोग ऑटोराइज किया। लेकिन वो लोग को डिजॉल्व करने के लिए तो हम लोग पावर दिया नहीं है, लेकिन मैं भी बोला है कि अगर इलेक्शन करना है सेलेक्शन करना, ठीक है अगर डिस्ट्रिक्ट वाला बोलता है तो चलो मान लेते हैं, मैंने एक्सेप्ट किया है। ऐसा बात नहीं कि मैं एक्सेप्ट नहीं किया बोल के हम नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट किया है। उसका बाद में 4 तारीख को ये एक्सेप्ट करने के बाद में मैंने रेजोल्यूशन को देखा, रेजोल्यूशन ऐसे नहीं लेता है, रेजोल्यूशन को देखा, देखने के साथ साथ कुछ दिन का मेरा एक चाचा का डेथ हो गया था, मैं बस्ती जाना पड़ा, वहाँ 3-4 दिन लग गया, ऐसे करके थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसका बाद मुझे पता चला है कि मुझे एक लेटर मिला है कि ये रिजोल्यूशन जो है स्टेट इलेक्शन कमेटी ने जो बनाया है गलत किया है। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट इतना हैवी स्टेट ऑफिस भी आ रहा, हमको कंप्लेन दिया है कि इसको हम लोग नहीं मानेगा। तो देखा है, तो उसका बाद हम पूरा ट्रोल ही पड़ा है। आफ्टर कंप्लेन रिसीव करने के बाद मैंने ट्रोली देखा है, वो लोग का रेजोल्यूशन को देखा, या मैं एक भी रेजोल्यूशन में कुछ बोला ही नहीं रिजॉब करेगा बोल के, इलेक्शन करेगा बोल के, सेलेक्शन करेगा बोल के, या एक भी वो लोग का डिस्ट्रिक्ट का जितना स्पीच दिया या मैं एक भी नहीं, सिर्फ मेरा एक वोट को लिखा है कि चलो रिजॉब करना है तो स्टेट ऑफिसर को रिजॉब करो और प्रेसिडेंट को केयर चेकर रखना है, प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू रहेगा, बाकी सब रिजॉब करेगा। ये देखने के बाद मुझे पता चला है कि ये तो गलत रेजोल्यूशन है, इतना बड़ा यूनियन, इतना जानकारी लोग है, ये रेजोल्यूशन हम लोग गलत नहीं ले सकता है। तो यहाँ में बनाया गया रेजोल्यूशन में बनाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है लेबर डिपार्टमेंट से मांगना है, रिटर्निंग ऑफिसर जो लेबर डिपार्टमेंट से मांगना है, पोलिंग ऑफिसर, प्रोसेसिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वाला कोई बना दिया, मैंने खुद बना दिया, प्रपोजल भी हम ही डाला था, हम तो भी कभी भी हम नेगेटिव वोट नहीं करेगा, तो मैंने डाला। उसका बाद में ये सब थ्रो स्टडी करने का बाद में देखा है, तो यहाँ में तो कोई अधिक का बात बोला नहीं है,
क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी यूनियन को डिजॉल्व करता है 3 साल का 2 साल का ऑडिट को पहले क्लियर करना पड़ता है। तो ये लोग का जो कंप्लेन है यहाँ में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस सेक्रेटरी जितना जो कंप्लेन किया ये लोग का कंप्लेन तो राइट बोल रहा है, यहाँ बोला है कि ऑडिट क्लियर नहीं है कैसे डिजॉल्व किया है और एनुअल रिटर्न फाइलिंग नहीं किया गवर्नमेंट को कैसे इलेक्शन सेलेक्शन हो सकता है। इसका हिसाब लेके मुझे एक लीगल नोटिस आया, रोनी चंगरो जो एडवोकेट का एक लीगल नोटिस दिया, अगर आप कैंसिल नहीं करेगा स्टैंड नहीं लेगा तो हम लोग कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने से हम हारता है क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया है उसमें तो मीनिंगलेस है। डिस्ट्रिक्ट का जितना रेजोल्यूशन ये लिया है ये तो मीनिंगलेस है, यहाँ में किसी का साइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे बच्चा का जैसा ड्राफ्ट करके रखा। लेकिन ऐसे मीटिंग चेयरमैन ये जो स्पीच वाला जो कॉपी में हम साइन मारना पड़ता है इसलिए मैंने साइन भी मार दिया। तो ऐसे होने के बाद में धीरे 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 इसमें हम लोग बनाया कि नाबम तकम बोल के एक तो ऑब्जर्वर बनाया, वो पापमपारे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। तो नाबम तकम है खुद प्रेसिडेंट का कैंडिडेट का पीछे कैंपिंग में घूम रहा है तो ऑब्जर्वर तो नहीं हो सकता। तो इसमें गड़बड़ वायोलेशन ऑफ क्रॉस वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ द यूनियन वो क्यों बोलने से हम लोग ने बुलाया सर्कुलर में बुलाया है, सर्कुलर में हम लोग बुलाया है कि आपका फाउंडेशन डे में आना है और कॉन्फ्रेंस का डेट कहाँ रखना है किधर रखना है उसको डिस्कस करना है, जगह प्लेस कहाँ रखना है। तो 4 तारीख को डिस्ट्रिक्ट वाला को बुलाया, तो 4 तारीख में दुई मुख में होटल माउंटेन बोल के एक होटल है वहाँ में डिस्ट्रिक्ट वाला यहाँ का जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट का जो आदमी लोग कि स्टेट वाला जो है वहाँ में प्रिपरेशन करके रखा है बोल के वहाँ होटल में आदमी लोग बैठा है। तो वहाँ में प्रेसिडेंट से कितनी लोग जो भी आया उसको अटेंडेंस लिया गया है तो वहाँ 24,000 पेमिंग किया, लेकिन वो है क्रॉस वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ यूनियन। तो 5 तारीख को हम लोग पता चला फाउंडेशन डे में, उसके बाद फाउंडेशन डे का इवनिंग को हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी है 60-70,000 का सामान मटेरियल अरेस्ट किया खाने के लिए मेरी मेकिंग के लिए, सब लोग आए जो डेलीगेट आया है। बाद में पता चला है कि जो तादर चाय भाई का कहीं होटल में वो लोग मैंने डिनर मजा ले रहा है, हम लोग को पता नहीं है। तो इसलिए उसको बोलता है कि इंटरनल गंदा पॉलिटिक्स, इसलिए मैंने ये लोग का कहना है कि ये सब को क्रॉस चेक करने के बाद में इलेक्शन नहीं होना है। तो इलेक्शन नहीं होना है मैंने 2 रीज़न है, एक तो है कंप्लेन आया लीगल नोटिस आया और हम लोग का जो भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है वो गलत है। इसलिए मैंने सोचा है कि आपू का इलेक्शन फैमिली का इलेक्शन में एक 2 ग्रुप 3 ग्रुप होने नहीं देगा कि सुंदरता से सेलेक्शन करो इलेक्शन करो, लेकिन तीनों का हिसाब से जाने देगा। अगर इस बार इलेक्शन करता है बोलने से कोर्ट में भी कोई जाएगा, कोई हाई कोर्ट में जाएगा, कोई सेशन कोर्ट में जाएगा, कोई पुलिस में एफआईआर करेगा, ऐसे होने से हमारा आपू जो टूटा फूटा हो जाएगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि ऐसे प्रेसिडेंट कि इसको अपना तीनों तक लेके सबको मिल के एक साथ लेके जाने का मेरा एक प्लानिंग है। लेकिन अभी इसको मेरा ऊपर में एलिगेशन ये है सोनाम साहब ने काम नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है पेमा खांडू का चीफ मिनिस्टर में ये कभी भी रिश्यू नहीं उतारेगा। तो पेमा खांडू सरकार में हम रिश्यू उतारने का क्या है, कुछ भी नहीं है। सब लोग का ये कहना है कि ये पेमा खांडू साहब का सपोर्टर है इसलिए कभी भी लेबर वर्कर्स का वेलफेयर के लिए जाले सोनम इशू नहीं उतारेगा, ये बोल के सारा अरुणाचल में घूम रहा है। पेमा खांडू सर से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। उसका बाद में सेकंड पॉइंट, हम काम नहीं करता है, हम सबको फ्रीडम दिया है कि हमारा साथ थोड़ा मिल के आप लोग काम को सीखना है। इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा बोलने के लिए नहीं है। 1 नंबर जो है ये इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो इलेक्शन करने के लिए मैं एक प्रोसीड्यू भी कर दिया है, लेबर डिपार्टमेंट को मैंने लेटर लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर का आपका डिपार्टमेंट से डिप्लॉय कर दो, क्योंकि हम लेटर भी लिया या सब डॉक्यूमेंट्स है। लेटर देने के बाद में कल ही हमको लेटर मिला लेबर डिपार्टमेंट से, कल ही हमको लेटर मिला है कि ये लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर हम लोग आपको दे नहीं पाएगा, हम अंडर रूल में नहीं है, आप इलेक्शन को अपना लेवल से कर सकता है। लेकिन इसको भी कोई इशू बनाए कि इलेक्शन करो बोल के बोल रहा है, करो करना तो है लेकिन आज करो कल करो परसों करो करना है, लेकिन इस बार 2022 ये 20 तारीख को इलेक्शन नहीं होगा।
इसलिए नहीं होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग को ऑडिट करना है। क्या सेक्रेटरी सब कुछ छोड़ के चला जाएगा? 100 रुपया हो 200 रुपया वो भाग नहीं सकता है, क्योंकि ऑडिट करके जाना पड़ेगा। हम प्रेसिडेंट ने हम 100 रुपया 200 रुपया जा छोड़ के नहीं जा सकता है कि हम ऑडिट करके जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग का जो कंप्लेंट्स है, ये जो इतना मजबूत से कंप्लेंट दिया है, उसको हम वायोलेशन नहीं कर सकता है। और हम लोग का जो रेजोल्यूशन लिया है, टोटली वी आर वायोलेशन द रूल ऑफ लॉ। इसीलिए हम लोग ने आज नॉमिनेशन, जब इलेक्शन कमीशन जब नहीं है, हम अपॉइंट नहीं कर पाया। इलेक्शन कमीशन का लेटर आने से पहले, लेबर डिपार्टमेंट का लेटर आने से पहले ही हम कैंसिल कर दिया कि इलेक्शन अभी नहीं होगा। इसलिए सब लोग अपना अपना ड्यूटी में ज्वाइन कीजिए, अपना अपना काम कीजिए, आपका अगस्त तक आपका टेन्योर में जाना है। उसमें कौन सा गलत है? आपको प्रेसिडेंट देखिए, मैं इसलिए मेरा दिल में एक हार्ट है, सारा अरुणाचल को जितना भी जनता है, जो भी कैंडिडेट का परिवार को मेरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं कोई इंटेंशनली यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरा कोई मन नहीं करता है। हमको ज़बरदस्ती जब चेयरमैन हो, फॉर्मर चेयरमैन होने का बाद में वो लोग नहीं लेके आया कि जाले सर आप नहीं होगा तो, सोनम सर आप नहीं होगा तो यूनियन डूब जाएगा। इसलिए मैंने वापस आया, यूनियन को कम से कम जिंदा रखा। अभी फिर बोलता है कि सर तो बहुत साल हो गया। तो मेरा ये है कि किसी को मैंने प्रेसिडेंट हराने का, सेक्रेटरी हराने का मेरा कोई प्लानिंग है नहीं है। तादर चाहे सेक्रेटरी जनरल है, मुझे पता है कि वो सेक्रेटरी जनरल में पीठ है कि नहीं है, वो आदमी प्रेसिडेंट जा पाएगा ना नहीं जा पाएगा, मुझे अच्छी तरह जानता है। इसलिए मैं जांच कर रहा है कि अगर वो तांदर चाहे अगर हमको बोलता कि आप छोड़ दो, हमको आशीर्वाद दो, वो क्या ज़रूरी है मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट करने का? लेकिन लोग बोलता है कि नहीं आपको भेजना ही पड़ेगा आपू में, इसलिए मुझे मजबूरी होता है। इसलिए अभी इलेक्शन में किसको बूट मारेगा? 12 डिस्ट्रिक्ट का लोग आया है, 12 डिस्ट्रिक्ट का लोग आया है, कोई डिस्ट्रिक्ट से एक आया है, कोई डिस्ट्रिक्ट से दो आया है, कोई डिस्ट्रिक्ट से तीन आया है, वोटिंग करना है 4 आदमी। हम लोग पूरा कंक्लूड 28 डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट आया है। अगर कोई जो 12 डिस्ट्रिक्ट का जो लोग बाकी जो नहीं आया है वो इलेक्शन में सपोर्ट करना नहीं चाहता, इलेक्शन को टोटली वो लोग नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है बोलने से, आपू को 2 ग्रुप 3 ग्रुप बनाना नहीं चाहता। और 12 डिस्ट्रिक्ट का जो लोग अभी आया है वोटिंग करने के लिए, हो सकता है उसमें सोनम को जानने वाला, पसंद करने वाला भी आया होगा, हम तो मालूम नहीं है। हम तो प्रेसिडेंट कैंडिडेट करेगा, वो कोई नॉमिनेशन फाइल करेगा, वो काम बोला नहीं है। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट से जितना भी डेलीगेट जो आया है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, इलेक्शन नहीं होगा। हम लोग डिसीजन ले, हमने डिसीजन लिया इलेक्शन नहीं होगा, हम लोग यूनियन को वायोलेशन कर रहे हैं। मैं कभी भी गलत रास्ता लेके नहीं जाएगा, आप लोग कल आराम से चला जाइए। और ज़बरदस्ती आउट ऑफ लॉ कोई अगर ज़बरदस्ती इलेक्शन में खड़ा हो के हम उसको लीडर बनाएगा बोलेगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को लेना है। दूसरा बार हमको इतना हर्ट किया है कुछ लोग, जाले सोनम हम भी LOC है, मेरा नाम लेके बहुत जगह पैसा कलेक्शन कर रहा है, जाले सोनम के अगेंस्ट में हम लोग प्रेसिडेंट कैंडिडेट कर रहे हैं, काल प्रसुंग लेबर मिनिस्टर से भी पैसा मांगने आया मेरा नाम लेके। ये क्या हो रहा है? आपू में तो कभी पैसा कलेक्शन करके इलेक्शन लड़ता नहीं है। और मैं जनता को, जितना भी लीडर है अरुणाचल का, जो भी राजनीति बिजनेसमैन को रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट कैंडिडेट में सोनम का नाम लेके कोई पैसा मांगने आता है तो मत दीजिएगा, डोनेशन बिल्कुल नहीं दीजिए। हमारा यूनियन में ऐसे होता ही नहीं है कि मैं सुनने में आया कि बोर्ड आदमी से पैसा मांगता है, बोला कैंडिडेट नाम तो हम नहीं बोलेगा कि सोनम के अगेंस्ट में हम कैंडिडेट कर रहा है, थोड़ा तेल खर्चा मदद करो। तो अभी उसका मतलब ये आपू इलेक्शन में हम LOC बन के बैठा हुआ है, मेरा नाम लेने से कोई पैसा दे रहा है। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट वाला को आपको निवेदन करता हूँ कि आप लोग वापस चला जाइए कि इलेक्शन नहीं होगा। आप 12 डिस्ट्रिक्ट आया है, बूट मारने से भी हारता है। 28 डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट, बाकी डिस्ट्रिक्ट तो आया नहीं है, उसमें भी एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, कई दो तीन डिस्ट्रिक्ट थे, तीन चार चार लोग आया है, हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसलिए आपका इलेक्शन हम लोग अगस्त को हम लोग मीटिंग बैठेगा, सितंबर में कॉन्फ्रेंस रखेगा ना नवंबर में रखेगा या अगस्त में रखेगा, वो हम लोग डिसाइड करके हम लोग डेट को फिक्स करेगा। उसका बाद आप लोग प्रेसिडेंट बनाए तो बनिए, सेक्रेटरी बनाए तो, मेरा तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं यहाँ में कंटिन्यू प्रेसिडेंट बनना है ऐसा बिल्कुल मेरा दिल में नहीं है,
सिर्फ वो लोग बोल रहा है कि समाज को चलाने के लिए ऐसे इंसान चाहिए जो जानकारी है, थोड़ा प्रोफेशनल, जो लेबर लीडर बन गया, जो सोच पिक्चर अच्छा है, विचारधारा अच्छा है, ऐसा वाला लीडर बनना है बोला रखा है, इसलिए मैंने बेटा हूँ। फिर अभी हमको रिश्यू बना रहा है कि पेमा खांडू जब तक चीफ मिनिस्टर होगा जाले सोनम कभी भी आपू से रिश्यू बनाएगा नहीं है। अरे रिश्यू बनाने के लिए गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिमम वेजेस को, मेटर्निटी लीव को, SSB बोर्ड में इतना अच्छा से गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रहा है, तो हम क्यों जबरदस्ती गवर्नमेंट को लड़ेगा। इसलिए मैं प्रेसिडेंटशिप, मेरा प्रेसिडेंटशिप में मैं सबको फ्रीडम देता है, आप लोग अच्छा से काम करते रहो, इंडिविजुअल का काम करते रहो, मैं अपना लेवल का काम करूँगा। और कभी कभी हम थोड़ा बिजी हो जाता है, बिजी होने से किसी वाइस प्रेसिडेंट को हम इंचार्ज बना देता है, इसलिए मेरा ऊपर में जो अभी एलिगेशन लगा रहा है वो तो थोड़ा सा बहुत गलत हो रहा है। मैं कभी ना भागने वाला हूँ, घर में बैठा है और जितना भी जो कर रहा है, जितना भी जो कर रहा है, मैं सब ये डॉक्यूमेंट्स का शादी कर रहा है, हम कभी डुप्लीकेसी करेगा नहीं। अगर कल कोई ज़बरदस्ती सर स्तर में प्रेसिडेंट बनने के लिए करेगा तो हम खुद हाई कोर्ट में जाएगा, हम खुद कोर्ट में जाके फाइल करेगा कि ये हम गलत है ना वो लोग गलत है। कोर्ट को जांच करने दीजिए, कल तक हम देखेगा। अगर गड़बड़ है पुलिस को भी मैं बता दूंगा, अगर कोई अननेसेसरी कोई अनलॉ एक्टिविटी करना चाहता है या इलीगल करना चाहता है तो कोर्ट जांच करेगा, पुलिस जांच करेगा मेरा तरफ से। इसलिए भाई, जितना भी भाई बंधु जो मेरा फ्रेंड्स लोग है, यूनियन का जितना भी लीडर्स है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कल वापस चला जाइए, आपका इलेक्शन नहीं होगा। मैं रूल्स को, ये कोर्ट को हम वायोलेशन नहीं कर पाएगा। कोई भी ओकेल, कोई भी हाई कोर्ट से, कोई भी सेशन कोर्ट से, कोई अगर लॉयर अगर मेरा ऊपर में कोई लीगल नोटिस देता है तो ऐसा मैटर में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मैटर में मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा। अगर मैंने गलत था, इसलिए मैंने गलत को भी बताया है। इस बार का रेजोल्यूशन का जो गलत था, रेजोल्यूशन को भी बताया। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन पास किया, बायलो में बोलता है, रूल नंबर 9 में बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट वाला कैसे स्टेट को डिजॉल्व करेगा। हम लोग का वहाँ डिजॉल्यूशन में कोई साइन नहीं है। जो अटेंडेंस रजिस्टर में सबको, मैं जितना आपू का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मैं बताना चाहूँगा, जितना तो अटेंडेंस लेता है वो रेजोल्यूशन में नहीं आता है, वो मीटिंग का अटेंडेंस है। रेजोल्यूशन जब लेता है तो एक एक कॉपी में सबको साइन मारना पड़ता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। और लोअर सुबनसिरी जीरो में ज़्यादा प्रपोजल दिया है कॉन्फ्रेंस के लिए, जीरो में प्लेस रखना चाहिए था। तो ईटानगर कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है कि ईटानगर में यहाँ में कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए ये हम लोग खुद यूनियन लीडर होके, इतना बड़ा सीनियर, इतना पुराना सीनियर लीडर होके हम ये रेजोल्यूशन का नॉन अवॉइड करता है हम लोग, और अपना बायलो को, स्टैंडिंग बायलो जो ओरिजिनल बायलो है उसको हम लोग कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करेगा, एज पर बायलो का प्रसिद्धि में जाएगा। इसलिए इलेक्शन कल नहीं होगा, इलेक्शन वोटिंग नहीं हो, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं है, किसका ऊपर में नॉमिनेशन फाइल करेगा? हम तो नॉमिनेशन नहीं ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी बना दिया, फिर डिपार्टमेंट दे नहीं पा रहा है। इसीलिए बायलो में लिखा है कि 3 ईयर्स के बाद आप आगे जाओ पीछे जाओ, वो यूनियन का अपना इच्छा है। इसीलिए हम लोगों ने लेके गया है आप तो अगस्त तक, अगस्त मैंने हम लोग अपना नेचुरल टेन्योर है, मैंने नॉर्मल टेन्योर अगस्त तक है, उसके बाद भी हम लोग 6 महीना भी लेके जा सकता है, वो तो अपना ऑर्गेनाइजेशन का मामला है। थैंक यू वेरी मच।